सम्मानित मंच और प्यारे किसान साथियों, मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान, गांव बहादुरगढ़, तहसील गढ़मुक्तेश्वर और जनपद हापुड़ से हूं। मैं आज ये तिगड़ी मेला देखने के लिए यहां पर आया था। मुझे बताया गया था कि कृषि प्रदर्शनी बहुत अच्छी होती है यहां पर, तो मुझ पर रुका नहीं गया और गंगा पार करके हम जो यहां पर आए हैं, देखा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, खेती सभी करते हैं लेकिन करने का ढंग अब बदल चुका है। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और सुर्ख रंग हिना देती है पत्थर पर घिसे जाने के बाद। तो दोस्तों साथियों, हम जो पहली जो परंपरा चली आ रही है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया, हम अपनी जेनरेशन को देने जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ बदलाव करना होगा खेती में, तभी आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश है कि किसानों की आय दोगुना होनी चाहिए, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसानों को भी आगे आना होगा। उसके लिए अपनी परंपरागत खेती को करते हुए आपको दूसरे विकल्पों को भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उनको करना होगा। उनमें कई चीजें हैं, जैसे कि मशरूम की खेती। मशरूम कल्टीवेशन के बारे में मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं आर्मी से रिटायर हुआ 2011 में। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि कुछ ऐसा काम किया जाए को अलग हटकर, तो मैंने देखा कि पेस्टिसाइड का हर सब्जी में, हर खेती में, गेहूं में, यहां तक कि जो हम चरी बाजरा अपने पशुओं को भी जो देते हैं, उसके अंदर भी जो है पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि हरित क्रांति के नाम पर बहुत बड़ा जो है ये पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग होने लगा, उससे किसानों की आय नहीं बढ़ी है, उनका खर्चा ज्यादा बढ़ गया। पूरी फसल का खर्चा लगाया जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। इसलिए अब ये जैविक खेती के नाम पर या प्राकृतिक खेती के नाम पर किसान भाई कम से कम 1-2 बीघा जमीन अपने परिवार के लिए करें, उसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, उसका जीवामृत बनाए, उसका जो घन जीवामृत बनाए, 10 पंडी अर्थ बनाए और उससे जो है केमिकल का प्रयोग ना करें। आपकी खेती 1 साल कम हो सकती है लेकिन बाद में उसका जो है सब कुछ जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, सोल है, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। केंचुआ जो जमीन के नीचे पहुंच चुका है वो भी ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको मशरूम के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भाई मशरूम की खेती की जाए, तो मैंने YouTube पर उत्तराखंड की एक एम्बेसडर लड़की है दिव्या रावत, तो मैंने दिव्या रावत की जो है वीडियो देखी, तो मेरे विचार आया कि ये मेरे खंडर जो मकान कमरे जो पड़े हुए हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, यूजलेस हैं, तो इसमें क्यों ना मैं मशरूम की खेती करूं। मैं दिव्या रावत के पास गया, वहां जाकर मैंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग जो सिर्फ 3 दिन की थी। उसके बाद में वहाँ ट्रेनिंग में उन्होंने बटन मशरूम, ओस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, 3 मशरूम की जो ट्रेनिंग दी, उसके बाद में लग गया और मैंने छोटे स्तर पर ये शुरुआत की और एक तरीके से ये मान लीजिए कि बहुत कम खर्चे में ये खेती शुरू की। ये जो है अलग खेती से, जो गेहूं गन्ना वगैरह जो बोते हैं खुले में, ये जो है हट के अंदर या कमरों के अंदर करते हैं। तो इसको जो हमने शुरू किया इसमें काफी प्रॉफिट होता है, इसमें घाटा हो ही नहीं सकता। इसमें जो है एक बात आपको देखनी होगी कि जो एयर है, जो कमरे में एयर जाएगी, वेंटिलेशन जो होगा वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि एक तरफ से जो है एयर अंदर जाए और दूसरी तरफ से वो निकल जाए। साथ में पानी, उसका जो छिड़काव किया जाता है या उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हमने संतुलित करके रखना है, यानी कि सीजनेबल है, तो जिस समय हमें टेम्परेचर की आवश्यकता है उसी हिसाब से हम कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों आप जो है 3 मशरूम की खेती पूरी साल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बटन मशरूम के बारे में बताऊंगा जो कि आजकल चल रही है, जाड़ों में होती है। ये जो है सितंबर से लेकर और मार्च के 2 हफ्ते तक जो है हो सकती है या 1 हफ्ते तक होती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फसल बंद हो जाती है। आप ओस्टर मशरूम कर सकते हैं जो कि फरवरी से लेकर और अप्रैल तक हो सकती है। उसके बाद में जो मिल्की मशरूम है उसको आप जो है जून से लेकर और अगस्त के लास्ट तक या 10 सितंबर तक जो उसकी पैदावार आप ले सकते हैं। तो किसान भाई इसमें जो है दुगनी या तिगनी आपकी पैदा इसमें हो सकती है। मार्केट आपको देखना होगा, बटन मशरूम जो है कहीं भी किसी भी मंडी में आपकी सेल हो जाती है। बाकी जो दूसरी मशरूम है इनका आप जो है ड्राई कर सकते हैं, इनको सनलाइट में सुखाकर इनका पाउडर बना सकते हैं। अभी अभी एक बात सामने आई थी, मैंने भी सुना था कि जो प्रोसेसिंग की जो है आवश्यकता नहीं है, घर में कर लेते हैं हल्दी का। देखिए घर की जो हल्दी का जो प्रोसेसिंग है वो सेपरेट होता है और जो कि जो कंपनियां लगाती हैं उनका प्रोसेसिंग में फर्क होता है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको जानकारी के लिए कि मेरा जो है मैं यूट्यूबर भी हूं और मेरा जो है चैनल का नाम है फार्मिंग मित्रा। उसमें आप हल्दी की जो मैंने वीडियो डाली हुई है आप उसको देखिए कि हल्दी किस तरीके से आप घर में तैयार करें। किसान भाई हल्दी को उबालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हल्दी को पहले पानी से साफ कर लें, बिल्कुल उसके जो होते हैं बाल से होते हैं जड़ावड़ा जो होता है उसको साफ कर लें। उसके बाद में चिप कटर से उसकी जो चिप काट लें बारीक 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 और उनको धूप में आप सुखा दीजिए, वो बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाएगी। और उसके बाद में आपके घर में मिक्सी है, ग्राइंडर है, आप उससे जो है उसको जो है ग्राइंडिंग कर लीजिए। जो बाजार में आप नकली हल्दी लेते हैं उसका रंग देखते हैं वो आपकी ओरिजिनल हल्दी का रंग होगा और उसको आप 250-300 रुपए किलो बड़े आराम से बेचेंगे, क्योंकि उसके अंदर फुल न्यूट्रिएंट उसके फुल मात्रा में होते हैं। पानी से उबालेंगे तो सिकुड़ जाती है, काफी जो न्यूट्रिएंट है उसके और निकल जाते हैं। तो आप इस विधि को अपनाएं। दूसरी बात यह है कि आप घरों में अंजीर लगाएं, अंजीर के पौधे लगाएं। अंजीर को जो है फल के रूप में पकाकर भी खाया जा सकता है और उसका प्रोसेसिंग करके जो कि बाजार में आप पंसारी के यहाँ से लेते हैं जो कि 1000-1200 रुपए किलो आपको मिलती है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान भाइयों को अपनी खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग में भी आना होगा। उसके लिए जैसे कि गुड़ है, करेसर चल रहे हैं किसान भाइयों के, तो उसमें आप बर्फी जैसे जो ट्रे होती है बर्फी की उसमें जो है उस गुड़ को डलवाएं और उसकी बारीक बारीक बर्फी, किसी में आप काजू डलवाएं, किसी में बादाम डलवाएं, किसी में तिल डलवाएं, इस तरीके से करके और उसके रेट आप आराम से ले सकते हैं मार्केट में। आप जो है मैं आपको बताऊं यकीन नहीं करेंगे कि हापुड़ क्षेत्र का एक किसान 450-450 रुपए किलो गुड़ बेच रहा है वो प्रोसेसिंग के द्वारा ही। तो हमारे किसान भाई और क्यों नहीं कर सकते, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है मेरी बातें सुनी।